चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सीबीआई, सीबीआई के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। सीबीआई क्या, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी स्टेट पावर नहीं तो रोक दे। आर्टिकल 100 के बाद ओरिजिनल जूरिसडिक्शन का सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जूरिसडिक्शन पे डिपेंड करता है। सेंटर स्टेट की बात होती है, ठीक है। अभी देख लो, सीबीआई स्टेचुअरी बॉडी नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते, प्राइम मिनिस्टर लीड ऑपोजिशन, लोकसभा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक जज ऑफ, मतलब तीन मेंबर, प्राइम मिनिस्टर लीड, सॉरी सीबीआई तीन लेटर, तीन लेटर, ठीक है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है सीबीआई को किसी भी स्टेट में बिना कॉन्स्टेंट के जाने के लिए। अब देख लो होता क्या, पुलिस क्या स्टेट सब्जेक्ट है, सीबीआई भी क्या है, सेंट्रल एजेंसी जो कि स्टेट पुलिस का काम करती है। आर्ट सेक्शन 5 और 6 क्या होते हैं, पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसको डील करता है केस स्पेसिफिक या फिर जेल भी स्पेसिफिक, जेल में होता है सीरियस इन्वेस्टिगेशन के लिए, करप्शन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, ठीक है। अभी देखो कॉपरेटिव फेडरल मतलब का हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है जो वेरियस इशू से डील करता है, और कौन-कौन से कंकरेंट जुरिसडिक्शन हो गया, पावर टिल्ड मतलब कॉपरेटिव क्यों खतरे में आ जाता है बार बार, क्योंकि परिवार को होता है कि हॉरिजॉन्टल जुरिसडिक्शन से बात करता है, कंक्रीट सिटीजन खतरे में आता है। पावर टेरिटरी सेंटर तक कम्प्लेक्सिटी टू आर्टिकल 131 का सेंट्रलाइजेशन होगा, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, ठीक है। वे फॉरवर्ड का ट्रांसपेरेंसी हो गया, सरकारी कमीशन होगा, पंची कमीशन हो गया, गवर्नर अपोलिटिकल होता है, मतलब कुछ इन्होंने क्या बोला, गवर्नर अपोलिटिकल तो इंटर स्टेट काउंसिल की बात सुनो, प्रेसिडेंट को वीटो दो, और स्टेट को मतलब स्टेट फेयर टू स्टेट को होना चाहिए, स्टेट को भी चांस दो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, ठीक है। फिजिकल स्पेस दो, इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म करो, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन पर कौन कौन से तुमको, यूरोपियन प्रिंसिपल ऑफ सर्विस उसमें कहते हैं डिफरेंट ग्राउंड, मतलब जनरल और किस पे ट्रांसफर होगा ये डिफरेंट ग्राउंड होगा, फेस्ट है, यानी कि फुल या ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब फुल या नहीं ऐसा कुछ है नहीं, कोई डिफरेंट ग्राउंड उसको होना चाहिए, ठीक है। स्टैचुअरी रिकॉग्निशन तो सीबीआई को ताकि इंडिपेंडेंट हो जाए, डीसीपी सी एक्ट से, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इसका बना, ठीक है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट एमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ने किया है, इसमें क्या है कि सर्विसेज फर्स्ट ईयर बाई गवर्नमेंट एंटिटी फॉर सब पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए करते हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोक्योरमेंट्स ने एक्ट नो बना, और कुछ डिपार्टमेंट के खुद के प्रोक्योरमेंट रूल भी दूंगा। जरूरत क्यों है, मतलब फ्रेमवर्क प्रोक्योरमेंट के लिए फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, शेयर ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट लिस्ट को सिलेक्शन, इसको एलुअल मतलब लिस्ट को सिलेक्शन मेटर पर करो जिसको एलुअल मेटर, बट इसमें प्रॉब्लम है क्वालिटी परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। क्विकर एफिशिएंसी इनके होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो की प्रोविजन ये जनरल इंस्ट्रक्शन अंडर द जनरल फाइनेंशियल रूल 2020 विद मीन करने का प्रोसीजर क्लियरिटी होनी चाहिए, डिजिटल ट्रस्ट में जो ओपन ओपन ऑनलाइन ट्रेड टेंडरिंग में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक्स होना चाहिए, बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या क्वालिटी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पेमेंट रेमलाइन होना चाहिए, डिस्प्यूट रिडक्शन हो जाए, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव होना चाहिए, अलाउिंग बजट फिक्स्ड बजट बेस सिलेक्शन होना चाहिए, बीएस को बोलते हैं। चैलेंजेस जो कि प्रोडक्ट में आते हैं, कुछ होता है इनफिशियंट यूज हो गया, करप्शन हो गया, एंटी कंपिटेटिव प्रैक्टिस हो गया, पुअर डिसीजन मेकिंग हो गया, लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव न्यूट्रलिटी, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड कौन से, बैक करो जनरल फाइनेंशियल रूल्स को लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू, ठीक है। सिंप्लीफाई करो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को, ठीक है। अल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें और क्या है, तुमको सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल बना और गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल, अब सही डब्ल्यूटी एग्रीमेंट ये क्या बोलते हैं कि गारंटी करना नेशनल ट्रीटमेंट को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन डिस्क्रिमिनेशन फॉर सप्लाई ऑफ पार्टी टू द एग्रीमेंट, ठीक है। और इसका इंडिया ना पार्टी ना ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है, ठीक है। पोलूस तो इस मतलब इसका पार्टी है ही नहीं इंडिया, ठीक है। अभी देखो तो इंपोर्ट करो परफॉर्मेंस रेटिंग को, इनकॉर्पोरेट परफॉर्मेंस रेटिंग को भी इसमें इंक्लूड करो बीडिंग में, ठीक है। डिब्रीफिंग परफॉर्मेंस दो, राइट टू नो डाल दो, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करो इंटेग्रिटी पैड को, कोऑर्डिनेशन ऑफ सीसीआई सीसी कंपटीशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन करो, अवार्डन और ट्रेनिंग दो, ठीक है। इंटरनल डेमोक्रेसी पावर ये कॉमन भी होना चाहिए, पोलिटिकल पार्टी होता है जिसका कॉमन भी होना चाहिए गवर्नेंस के लिए, आर्टिकल 91(c) में करता है वाई आर्टिकल इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बिकम सिग्निफिकेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी वाइब्रेंट रोबस्ट को शो करता है, लिंक बिटवीन द पावर एंड रिप्रेजेंटेटिव मशीनरी के बीच में होता है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी शो करे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट शो करे, फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक है। चैलेंजेस को सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इनएडिक्वेट पावर हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, इलाइटिज्म हो गया, ये हो गया, वे फॉरवर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हो गया, रिस्पॉन्सिबल बॉडी होना चाहिए, पोलिटिकल पार्टीज में फंडिंग होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, नेगोशिएशन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। सजेशन कोकोस है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंट वर्किंग पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। 1999 लॉ कमीशन रिपोर्ट क्या बोलता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डाल दो, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है ये देख लो, बिकम डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, बट कम डिस्क्वालीफाइड कब होगा, जब वॉलेंट्री गिव अप करे मेंबरशिप को या फिर वोटिंग करो डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके, बट एक ही याद रखो इसको एक्शन 15 दिन के अंदर पार्टी को कंडोन करना, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर कब होगा, जब ज्वाइन करे, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर का था जो ज्वाइन करो, नॉमिनेटिव मेंबर का था एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट हो जाए, ठीक है। नॉमिनेटिव मेंबर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट, एक्सेप्शंस 2/3 ऑफ लेजिस्लेशन आर इन फेवर ऑफ मर्जर, 2/3 ऑफ इस रेगुलेशन फेवर ऑफ द मर्जर होना चाहिए, या फिर इलेक्टेड एज स्पीकर या स्पीकर ब्लॉक सभा फिर चेयरमैन हो, ताकि वो रिजाइन करके दोबारा उसी पोस्ट को कर ले, ठीक है।
अभी देख लो, व्हाट इज द नीड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, कब होगा जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, मतलब नीड जरूरत तो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने के लिए, लॉयल्टी ऑफ मेंबर देने के लिए, विल ऑफ पीपल हो गया, रिडक्शन करप्शन हो गया, इशू इन प्रिवेलेंट आइडिया ऑफ एंटी डिफेक्शन हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना, इस मतलब इशू क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो रहा है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आ रहा है, ठीक है, अच्छा इंडियन कौन सा, ये बाकी कंट्रीज में भी ये देख लो ये काम का है, ठीक है, यूके पायलट का मंडे फ्री टू क्रॉस ओवर द अदर साइड विदाउट बीइंग डॉटेड बाय एनी अदर, यूएसए में कोई रिस्ट्रेंट नहीं, ठीक है, अभी देखो इशू कौन सा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, अकाउंटेबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गया, इशू करंट लगा, नो पॉलिटिकल पार्टी पर लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, सब मेंबर पर मर्जर प्रोविजन का डाल दिया, प्रेजाइडिंग ऑफिसर का एब्सोल्यूट पावर दे दिया उसको, इनसोलिटी करता इनसोलिटी करता और एक्सपल्सन का पे कोई प्रोविजन नहीं, ठीक है, अभी देख लो लॉ इंटरप्रेटर, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेज वॉलंटियर को उन्होंने बहुत वाइडर किया है कि कौन होना होने में क्या सुनने में क्या बोला कि स्पेसिफिक टाइम लिमिट होना चाहिए, ठीक है, मतलब मतलब ये प्रेसिडेंट उसको स्पेसिफिक टाइम लिमिट में काम करना है, ठीक है, हालांकि अभी तक कुछ है नहीं बट बोला कि स्पेसिफिक काम, मतलब उसको हाई कोर्ट बोल सकता है कि भाई कर लो, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि प्रेसिडेंट उसका कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं जिसमें काम करे बट उसको स्पीकर बोले कि भाई कर लो, व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दिस कॉन्फ्रेंस है, नैरो करना डिफिनेशन ऑफ डिफेक्शन को, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी करना है, इसी कमेटी हो गया, ठीक है, डिसाइडिंग अथॉरिटी का प्रेसिडेंट को वर्णन ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन हो गया, इंटरनल इशू पार्टी हो गया, क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, फिर से सुनो, डिसाइडिंग अथॉरिटी पता नहीं प्रेसिडेंट को वर्णन ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन करना, इंटरनल इशू ऑफ पार्टी करना है, क्लियरिटी लाना है, ठीक है, अभी देखो न्यूज और देख लो, फॉरलो और पैरोल, शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिलीज दोनों होते हैं फ्रॉम कस्टडी, मतलब दोनों क्या शॉर्ट टर्म टेम्पररी फ्रॉम कस्टडी को फॉरलो या फिर पैरोल, मतलब पैरोल क्या था कि स्पेसिफिक एजेंसी के लिए करते हैं, रिमिसर के लिए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब रिमिसर और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए करते हैं, अभी देख लो मल्टीपल मर्डर या फिर अंडर यू 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 मतलब अनडिटरनल अनलॉफुल एक्टिविटीज पर, मतलब यूएपीए के उसमें उसको पैरोल नहीं देते, मल्टीपल मर्डर ये स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है वो डिफाइन करते हैं रूल्स, प्रिजन इज स्टेट गवर्नमेंट जो कि डिफाइन करते हैं रूल्स को, मतलब प्रेसिडेंट रूल को डिफाइन करेगा मतलब पैरोल को भी वही डिफाइन करेगा, इंटरसेलेशन देख लो इसमें इंडियन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक असिस्टेंस जो कि मैनेज करे क्रेडिट लाइन, अच्छा क्रेडिट लाइन मोस्टली देते हैं फॉरेन कंट्रीज को, ठीक है, इंडियन और ये हो गया, ठीक है, अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉपरेशन ये तो डेवलप किया गया 2015 में और ये फॉरेन कंट्रीज मतलब बहुत सारे कंट्रीज में इनके प्रोग्राम चलते हैं ताकि वो डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, इंडिया एड मिशन ये नेपाल में 1952 में, न्यू इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी नेस्ट डिवीजन ये क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि जोफ्कल डिवीजन में पाया जाता है, ठीक है, ग्रांट इन हैंड और लाइन ऑफ क्रेडिट का यूज करें कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है, साउथ साउथ कॉपरेशन फ्रेमवर्क ये कहते हैं टेक्निकल कॉपरेशन टूल का जो कि डेवलप करता है कंट्रीज को इन द ग्लोबल साउथ में, ठीक है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के काम करता है, ऑफिशियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODA है, ठीक है, फाइनेंशियल और टेक्निकल बेस में देते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर रिस्पॉन्स करने के लिए डिजास्टर के लिए, नीड फॉर इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल एजेंसी का जियो पॉलिटिक्स में काम करता है, बॉन्धुंग कॉन्फ्रेंस 1995 में जो कि एशिया अफ्रीका के लिए काम करता है, जियो पॉलिटिक्स में बॉन्धुंग कॉन्फ्रेंस 1995 में एशिया अफ्रीका के लिए काम करते हैं, पोस्ट पैंडेमिक अपॉर्चुनिटी के लिए इनहांस करते बायलेटरल रिलेशनशिप को, अकाउंटेबिलिटी और इवोल्यूशन फ्रेमवर्क इसमें डाल दो और ठीक है वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप एजेंसी बनाओ, एजेंसी खुद की जो इस चीज को डिलीवर करेगी, ठीक है, रिस्ट्रक्चर करो डेवलपमेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिस को, लर्न फ्रॉम इट्स मतलब जो आपने सीखा उसको फेलो डेवलपिंग कंट्रीज में डाल दो, ठीक है, इंडियन सेंटर अपर लेवल ये मैप देखो, किर्गिस्तान सबसे कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, ठीक है, किर्गिस्तान छोटा है, किर्गिस छोटा कजाकिस्तान ये लेजेंड सब है इसमें, ठीक है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान हो, चाइना देख लो रशिया होगा, ठीक है, अस्ताना इसका कैपिटल है, ठीक है, किर्गिस्तान के बिश्केक है और उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, ठीक है, ये सब छोटे छोटे हैं, तुर्कमिस्तान इधर साइड में होगा मतलब ये चाइना को बॉर्डर नहीं करेगा और उज्बेकिस्तान का लैंड लॉक है, ठीक है, ये देख लो, तो इसमें हम करते क्या देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस मेजर मेजर इन एशिया इन कजाकिस्तान में, मतलब समझ में कॉन्फ्रेंस इन इंटरेक्शन कॉन्फिडेंस में ये सेंट्रल एशियन कंट्री का और इसको हम इंडिया का एक्सटेंडेड नेबर्स भी मानते हैं, ठीक है, अब इसमें देख लो सिग्निफिकेंस क्या, नेचुरल मिनरल रिसोर्स के लिए बेस्ट है, जियो स्ट्रेटेजिक एरिया एरिया ऑफ ग्रेट गेम यहाँ चलता है, सिक्योरिटी पीस स्टेबिलिटी के लिए और गोल्डन कैस्पियन, गोल्डन कैस्पियन कौन सा था, ईरान पाक और अफगानिस्तान का, रिटेल इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल टूरिज्म के लिए बेस्ट है, ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, चैलेंजेस कौन कौन से डेवलपमेंट में, पुअर कनेक्टिविटी हो गया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डायनेमिक्स हो गया, अनरिलाइज ट्रेड पोटेंशियल हो गया, एनर्जी जियो पॉलिटिक्स होगा, वोलेटाइल सिक्योरिटी सिनेरियो होगा, इंटरनल डायनेमिक्स होगा, ये सब इसके मेन सिनेरियो चैलेंजेस है, ठीक है, वेट होना कैसे करते हैं, डीप कवरिंग इंगेजमेंट को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करने वाले इंडिया यूरोपियन नेशन का, तो इस कंट्रीज का फायदा है, थर्ड कंट्रीज को लेकर लाइक यूएसए और रशिया कुछ भी हो, ठीक है, डिफेंस कॉर्डिनेशन मतलब एनुअल साइज करो लाइक कजाकिन था कजाकिस्तान की तरह, और ज्वाइंट मैनुफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग डाल दो, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक है लोकल से गवर्नमेंट यहाँ हम इंडिया में वो उसको उधर पर सॉफ्ट डिप्लोमेटिक प्रोसेस, ठीक है, कनेक्टिविटी अप्रोच करता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट क्रिएट होता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट ACT होता है, कनेक्टिंग विथ सेंट्रल एशिया वाया इंडिया से बाहर, मतलब सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया से बाहर में यूज़ करो, टीर कारण है 2017 में ज्वाइंट किया था उसबाग एग्रीमेंट विच इंक्लूड ईरान ओमान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान नेटिव, ठीक है, टीर कारनेट किया 2007 में 2017 में और जो कि जिसने असबाग
आर्ग्यूमेंट है जिसमें ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान लोग आते हैं, ठीक है, ईरान आते हैं, ठीक है। एंडिजन स्वाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, देखो इसमें 47 मेंबर होते हैं जो कि डायरेक्टली इंडायरेक्टली सेक्रेटरी बैठ से अपना मेंबर चूज करते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ द, सुनो, यूनाइटेड काउंसिल 47 मेंबर इसको डायरेक्टली फिर इंडिविजुअली सेलेक्ट करते हैं सेक्रेटरी के थ्रू, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ जनरल असेंबली के थ्रू करते हैं, ठीक है। 3 साल का टेनर होता है और मतलब दो रीइलेक्शन, दो कंसेक्यूटिव रीइलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है। इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर टू कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट एलिजिबल, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम टू पार्ट, ये रशिया से जर्मनी को बन चुका है, बाल्टिक सी के थ्रू होता है, ये तो बाल्टिक सी के थ्रू जाता है, ठीक है, जर्मनी मतलब जर्मनी के ऊपर, जर्मनी से यहाँ पोलैंड के थ्रू, ठीक है। गजाप्रोम, गजाप्रोम है ये, गजाप्रोम यूरोपियन कंज्यूमर्स के लिए सिग्निफिकेंस का, इकोनॉमिक एनवायरमेंट बेनिफिट है, एनर्जी सिक्योरिटी देगा, स्टेबिलिटी लाएगा रीजन में, लॉस ऑफ ट्रांजिट फी होगा कुछ कंट्रीज लाइक पोलैंड, पोलैंड के लिए, पोलैंड स्लोवाकिया यूक्रेन के लिए, ठीक है। यूएस सैंक्शन डाल सकता है एलाइड कंट्री में, इसके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हो गया बस खत्म, और क्या।